Subscribe Gyan Therapy, press bell icon and don't miss updates. Samsung. जब से Samsung ने ये M series launch की है, काफी कुछ इसमें बवाल मच गया है पूरी market में. तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा पहली बार हुआ शायद Samsung के साथ कि उसका कोई फोन online आया और कुछ ही मिनटों में sell out हो गया. जी हाँ, Amazon पे 5 फरवरी को बहुत तेजी से बिक गया ये. और यहाँ पे क्या है कि अभी 7 फरवरी को दोबारा ये सेल लगने वाली है, तो जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो ले पाएगा. हालांकि Samsung के फोन की खासियत ये रही है कि आसानी से ऑफलाइन शॉप पे मिल जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान थेरेपी पर. तो आज की वीडियो में मैं आपको M30 की स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं, ये भी बताऊंगा कि Samsung ने M30 को लॉन्च क्यों नहीं किया जबकि उसको M20 के साथ ऐसी अफवाहें आई थी कि वो लॉन्च हो जाएगा और कब तक उम्मीद है कि ये लॉन्च हो जाएगा. तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें बताता रहूंगा, यहाँ पे क्या फ्रैंक ओपिनियन है मेरा वो भी मैं आपको दे देता हूँ इस फोन का. तो Samsung Galaxy जो M30 है ये यहाँ पे इसका तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है सीधा सीधा नोट 7 और नोट 7 प्रो से. Samsung ने यही गेम खेला कि उसने M20 को लॉन्च कर दिया और M30 को लॉन्च नहीं किया. क्यों नहीं किया, इसके पीछे 2-3 कारण है. तो पहला रीजन तो ये कि M20 M30 के रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, तो यहाँ पे M20 को वो पहले बेचना चाहता है तब M30 आएगा. और दूसरा रीजन ये कि जो गैलेक्सी M30 है उसका रेट होने वाला है 17-18 हजार के आसपास. तो दोस्तों अभी समस्या ये है कि 18 के आसपास ही Samsung Galaxy A7 2018 मॉडल भी मिल रहा है जिसमें आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं. इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने अपने चैनल पे की थी. तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि अगर वो फोन लॉन्च कर देता है M30 तो इनको A7 को रोकना पड़ेगा क्योंकि A7 से कहीं ज्यादा अच्छा होने वाला गैलेक्सी M30. और तीसरी वजह है कि और भी फोन आने वाले, तो अभी बात कर लेते हैं इस फोन में क्या क्या होने वाला है. तो इस फोन में आपको फुल डिस्प्ले मिलने वाला है, यू शेप नोच मिलने वाला है इसमें आपको, और इसमें भी आपको क्या है 3 कैमरे का सेटअप मिलने वाला है जो कि होने वाला है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के तीनों कैमरे होंगे. आपको पता है कि एक मेन कैमरा होगा, एक अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए होता है, एक डेप्थ सेंसिंग के लिए होता है, तो ये आपके कैमरे होने वाले. साथ में जो फ्रंट कैमरा होगा वो 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको मिलने वाला. और डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला, जो कि इसमें एक और अच्छी बात है जो M20 में नहीं मिल पाया है. यहाँ पे आपको मिलने वाला है सुपर एमोलेड डिस्प्ले. यहाँ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, यानी कि एक बढ़िया डिस्प्ले मिल जाएगी. और पूरी पूरी उम्मीद है कि इसमें एंड्रॉयड 9 पाई मिल जाएगा. और साथ में अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी इसमें भी आपको 5000 mAh की मिल जाएगी जैसा कि M20 में मिलता है. टाइप सी USB पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग तो देना ही पड़ेगा Samsung को. अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे दो बातें सामने आती है. एक तो ये है कि यहाँ पे हो सकता है एक्सिनोस का 7904 प्रोसेसर ही मिल जाए जो कि M20 में है. लेकिन अगर Samsung ये गलती कर देता तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो ये प्रोसेसर है नया प्रोसेसर है. तो दोस्तों अगर बात करें बेंचमार्क स्कोर की, तो इसका जो स्कोर आता है वो स्नैपड्रैगन के 636 का मुकाबला करता है. हालांकि बेंचमार्क स्कोर ही सब कुछ नहीं होता, यहाँ पे रैम मैनेजमेंट भी होता है कि किस तरीके से कितने मैनेज किया हुआ है. और Samsung का कहना है कि इसने काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद Samsung को उसमें एक अच्छा प्रोसेसर देना पड़ेगा नहीं तो वो दूसरे को कम्पीट नहीं कर पाएगा. और Samsung ने तो गैलेक्सी M सीरीज को लॉन्च इसीलिए कर रखा ताकि मिड रेंज में ये मार्केट पे कब्जा कर सके. हालांकि अभी Redmi ने इस जगह को घेर लिया है, तो Samsung इस चीज को कॉम्पिटिशन करने के लिए उसको पीछे करेगा और एक अच्छा प्रोसेसर लाएगा. तो उम्मीद है इसमें एक अच्छा प्रोसेसर मिलने वाला है आपको. और इसका जो डिजाइन होगा काफी हद तक A7 से मिलता जुलता होगा, यानी कि इसके बैक में ग्लास की बॉडी दी जाएगी. तो अभी बात करते हैं ये कब तक आ जाएगा. यहाँ पे हालांकि कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं है, लेकिन 27 फरवरी के आसपास उम्मीद की जा रही है कि ये अनाउंस हो जाएगा. तो वेट कर लो अगर आप एक नया फोन लेना चाहते हैं, और जो Samsung के फोन के दीवाने हैं वो तो बिल्कुल वेट कर लो, जल्दबाजी मत करो. इस फरवरी में कई फोन आने वाले हैं, तगड़ा कंपटीशन होने वाला है. Redmi, Samsung और भी कंपनियां हैं कि इस महीने धमाल मचने वाला है Redmi और Samsung के बीच में. अच्छी बात है, कंपटीशन जितना हार्ड होगा उतना ही हमें फायदा है. हमें तो प्रॉफिट चाहिए कि कौन सी कंपनी कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिकेशन दे सके. मुझे लगता है दोस्तों आपकी काफी हेल्प हो पाई होगी इस वीडियो से, क्योंकि अभी ऑफिशियली तो इस फोन को कुछ भी डिटेल बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो डिटेल आई उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया. तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल की बातों को कमेंट कर दीजिएगा. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.